खुश कितनी देखो, खुश कितनी देखो। ये हॉस्पिटल है, इसमें मैं एक साल तक रहा हूँ। ये वाला तो हमेशा खुला रहता है यार, आज बंद क्यों है? क्या दिक्कत है भाई अपोलो वालों? यहाँ भाई हॉस्पिटल के अंदर ही और सब नहीं निकलते यार। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से नज़ारे जो आते हैं ना, यहाँ की ये लस्सी ट्राई करते हैं। ऐसी पार्टी थी 2000 सब्सक्राइबर की। और गुड मॉर्निंग गाइस, शुरू करते हैं आज के भी व्लॉग को। जैसे कि हमको बता चुके हैं पिछले व्लॉग में कि हम जा रहे हैं लखनऊ अभी फिलहाल, एंड अस्मित के पापा को देखने के लिए उनका ऑपरेशन हुआ था। इस चक्कर में अभी जा रहे हैं फिलहाल, एक व्लॉग में भी सुबह एंड कर चुके हैं, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी कार नीचे खड़ी हुई है एंड फटा से निकलते हैं कार से, हम दादा पापा एंड किट्टू वगैरह सब जा रहे हैं। ये वो वाली गाड़ी नहीं जो पिछली बार गए थे, ये दूसरी गाड़ी है, बट है देखना है। बाकी इस साइड में अभी कुछ लोग सो रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिनकी कभी सुबह नहीं होती है। और टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 9:28। पानी तो मिला नहीं भाई, बर्फ़ लेके जा रहे हैं। ये आ रही चिमकैंडी, खुश कितनी देखो, खुश कितनी देखो, खुश कितनी। पंखा लगा हुआ है भाई, इतना बढ़िया सा, ये देखो ऐसे चलेगा मेरी तरफ, वाह भर। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं भाई। आज फिर एक नए रास्ते से जा रहे हैं लखनऊ, और हम लोग आज जाएंगे प्रतापनगर चौराहे से होते हुए, क्योंकि लखनऊ रोड ना बहुत ख़राब है, खुदी खुदी पड़ी है। तो इधर से हम लोग आज निकलने का प्लान बना रहे हैं फिलहाल। ये अभी हम लोग सीधा पहुंच रहे हैं ये रेलवे क्रॉसिंग से, मोलिया फाटक से। तो खुला मिल गया फाटक, ये बहुत अच्छी बड़ी बात। सामने भी खुदा पड़ा है, क्या है कुछ? अरे ये क्या है भाई, ये सो क्या रास्ता है? ये भी धसका लगा ना वहाँ पे। हाँ ठीक है लो भाई। फिर कुछ क्या है, तो ये आ गए भाई सीतापुर रोड, और यहाँ से कंटिन्यू चलना है। वाह भैया वाह, एकदम मस्त नहाया जा रहा है नहर में, अब एकदम फुल चल रही नहर, ये बढ़िया है यार भाई। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, इसमें मैं एक साल तक रहा हूँ। ये वाला पता नहीं कैसा, क्या बंद बंद पड़ा है क्या? अब तो खूब बन बन गया है ऊपर साइड में, पहले ऊपर नहीं बना था। और अभी हम आ गए हैं प्रताप नगर चौराहा, ये रोड से आती है बेनीगंज होते हुए, कोथावा होते हुए, सिंगेला होते हुए लखनऊ जाएंगे। तो ये सीन है इसका, और काफ़ी अच्छी रोड है, आप तो देख ही रहे होंगे। फिलहाल अभी हम हैं संडीला में, इमलियाबाग चौराहे से थोड़ा अंदर आ गए हैं। बट यहाँ पे ना जाम तो हमेशा ऐसे लगी रहती है हमेशा, आप जब भी आएंगे आपको जाम लगी लगा यहाँ पे परमानेंट मिलेगी। एक तो ये मेन मार्केट है संडीला की, ऊपर से आगे क्रॉसिंग भी है ना, मतलब संडीला हरदोई वाली जो रेलवे स्टेशन है, तो उसकी वजह से और यहाँ पे जाम लगा करती है। तो आप देख सकते हो वहाँ को इस तरीके से भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस वाले एरिया में। और जिसको भी अगर इस रोड से होते हुए संडीला वगैरह जाना है या लखनऊ जाना है, तो कृपया आप हाईवे का रास्ता चुने, बहुत ही सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा, और जल्दी पहुंच जाएंगे। भैया जी हेलो। तो भैया आधे घंटे तक, अरे 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 देखे भैया पलटन दियो, आधे घंटे तक फंसे रहे भाई इस जाम में, अभी पहुँचे हैं क्रॉसिंग पे, कहीं फिर से ना बंद हो जाए, फिर फंस जाए। तो ये हरदोई संडीला वाला भाई लाइन है, तो मतलब यहीं पर अभी बहुत टाइम वेस्ट हुआ इस बार। तो जाम देखना, जाम कितना लगा हुआ है। फाइनली अब जाके भाई आई है मेन रोड लखनऊ वाली, यार इतना ज़्यादा टाइम लग गया भाई साहब। चाय वगैरह तो भाई आगे मिलती है बढ़िया वाली, इधर तो मिलती है नहीं, तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। हाँ देखो बस अड्डा है यहाँ पे, बस स्टॉप है ना, बस रुका करती है यहाँ पे, वहीं पे हैं। कोई चौराहे पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखो संडीला के मशहूर लड्डू रखे हुए हैं। ये देखो भाई साहब, ये लड्डू होते हैं जो ट्रेन वगैरह में बेचते हैं, संडीला के मशहूर वाले यहाँ पे। तो ये देखो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद, मतलब 4 घंटा कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली अपोलो हॉस्पिटल के बाहर। अब एंट्री करते हैं यहाँ से, बट ये सब बंद क्यों है पता नहीं। अरे इधर से आ जाओ, तो हमेशा खुला रहता है यार, आज बंद क्यों है? क्या दिक्कत है भाई अपोलो वालों? अरे बहुत टाइम लग गया भाई सच्ची में, इतना भयंकर जाम, मतलब इतना दुखी हो गया रास्ते में कि सच में यार क्या ही बताएं अब इसके बारे में। चलो भाई फिलहाल एंट्री करते हैं यहाँ से।
काफ़ी हरा भरा माहौल लगता है यहाँ का, अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। तो अभी भाई किट्टू के पापा गए और मिलने के लिए, बच्चों के अलावा है नहीं तो किट्टू जा नहीं सकती, तो वहाँ से वीडियो कॉल की जा रही है। दीदी सामने ऊपर से कर रही हैं एंड भी दादा गए हैं, फिर हम जाएंगे, पापा जाएंगे, सब लोग वृंदावन जाएंगे एंड मिल के आते हैं। फिलहाल तो यही नियम है यहाँ के। यहाँ भाई हॉस्पिटल के अंदर ही हैं नोट, सब नए निकलते हैं यार, नए नए नोट निकलते हैं भाई, अस्पताल के अंदर ही कैसे निकल जाता है। हेलो, ये सुविधा अच्छी है भाई, कहीं जाना नहीं पड़ता, पहले ये बाहर हुआ करता था, अंदर आ गया। वो देखो वहाँ खेल रही है मस्त एकदम पता नहीं क्या है ये, कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती है इसके अंदर से, इसमें कुछ पुश करना पड़ा तब ये मिलता है। हाँ अरे कम से कम हिंदी में लिख देना चाहिए कैसे क्या निकालना है अगर किसी को चाहिए हो तो। बाहर आ गए हैं अभी, कुछ खाते पीते करके, बहुत भूख लग रही है यार सच्ची में, कुछ खास खाया भी नहीं था, बस नाश्ता करके आ गए थे। एंड ये पेड़ में देखो उस तरह की लाइट वगैरह लगाई गई हैं, शाम को जलती होंगी, सामने नीम का पेड़ उसमें भी लगाई गई हैं, टंकियाँ भी रखी हैं बढ़िया से, मस्त लगता है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं स्काई हिल्टन इन, यहाँ पे लखनऊ चौपाटी करके इसका ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं बढ़िया से, क्या करें गाइस। एंड वो देखो पता नहीं वहाँ पूरा मेनू वगैरह लगा हुआ है, वो देखो वहाँ पे, अच्छा लड़की सॉरी। तो गाइस अभी डिसाइड हो रहा है कि क्या खाया जाएगा, बाकी यहाँ पे पहली बार आए हैं और काफ़ी मस्त वाइब आती है। इतना बड़ा पराठा हमारी खोपड़ी पर लगा, बट हमारे हवा तो दे नहीं रहा, तो क्या फायदा इसको लगे। वैसे मस्त पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ तो लग ही नहीं रहा किसी, मतलब ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं, मतलब एकदम मस्त ऑक्सीजन वगैरह दे रहा है यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वगैरह, ये जो पीपल का पेड़ लगा है बढ़िया लग रहा है भाई। अरे भाई कोक किसने मंगाया था यार, ये कहाँ से आ गया। हेलो, चलो गाइस शुरू करते हैं यहाँ का मसाला डोसा जो भी है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भैया खाना पीना हो गया है फिनिश यहाँ पे, और चलते हैं आगे का काम देखते हैं। तो भाई अपना खाना पीना यार, और अभी फिलहाल जाके अस्मित के पापा को दिखाते हैं, उनसे मिलाते हैं। कार्ड मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये चेक करना गाइस, यह है कार्ड, इसके बिना ऊपर जा नहीं सकते थे, तो ये तो मतलब ये तो मैंडेटरी होता है ना, तो जाके फटाक से अभी मिल के आते हैं, ऊपर के थोड़े आपको नज़ारे दिखाएंगे, फटाक से नीचे चले आएंगे। बाकी अच्छा खाना देते हैं यार यहाँ पे, जो भी ये रेस्टोरेंट था ना। फाइनली उनको देख के आ गए हैं अभी, और यहाँ पे देखो इस तरीके से नज़ारे जो आते हैं ना अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए यहाँ पे हमारे बार आ जाते हैं। और अभी इस फ्लोर पे हैं, पिछली बार तो हम 7th फ्लोर पे भी चले गए थे, बट इस बार नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा वहाँ जाके, आधा लखनऊ दिख ही जाएगा यहाँ से जो भी। तो फिलहाल तबीयत तो अब ठीक है, मतलब भर की एंड आराम भी है, कल मेरे ख्याल से छुट्टी वगैरह हो जाएगी, मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे कल। मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस किया, मतलब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोलर ऊर्जा को यूज़ करते हैं, देखो सामने छत पे देखो आप इस तरीके से, वहाँ पे प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, इधर भी देखो लगी हुई हैं वहाँ पे सामने सब। फिलहाल भाई भाई फिर से आ गए हैं बाहर यहाँ, फिर लोग को चाय पियेंगे ऐसे कुछ बोल रहे थे। चलो फिलहाल चलते हैं अंदर। हाँ वाह, चलो भाई इस बार देखते हैं क्या आता है, शायद पनीर पिज़्ज़ा मंगाया हम लोगों ने, वही आएगा मेरे ख्याल से। चलो गाइस यहाँ की ये लस्सी ट्राई करते हैं, देखने में तो बड़ी ठीक ठाक लग रही है, इसके ऊपर कुछ रबड़ी टाइप में पड़ा हुआ है, और अभी उन लोगों ने पिज़्ज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा खाएंगे पनीर वाला, और ये भी ट्राई करते हैं। और अब बारी है इस पिज़्ज़े की, जो कि बिल्कुल बेकार सा लग रहा है देखने में, खा के देखते हैं कैसा क्या है। पनीर का बोला गया था, पता नहीं क्या आ गया ये। चलो गाइस ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे खाने पीने आए हैं, बस पार्टी करने आए हैं भाई, ये बेकार लग रहा है पिज़्ज़ा, बिल्कुल बेकार है ना, बिल्कुल डबल रोटी पे सड़ी हुई लग रही है। हाँ तो गाइस ये पार्टी थी 2000 सब्सक्राइबर की, और हमारे सब्सक्राइबर ना कल ही पूरे हुए थे शाम को, फिलहाल हम आपको अब बता रहे हैं। तो अब टाइम आ गया मेरे ख्याल से यहाँ से निकलने का, सामने कार आ चुकी है, सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलते फटाक से हरदोई पहुँचते हैं। एंड आज ना बहुत सारे काम भी थे, तो देखते हैं हो पाते कि नहीं हो पाते हैं, सब लोग आ गए फिलहाल यहाँ पे। ये देखो काफ़ी अच्छा लगा गाइस यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया भाई इनका रेस्टोरेंट है ये, लखनऊ चौपाटी करके इसका नाम है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलो बैठते हैं, वो जल्दी यहाँ कारें वगैरह उड़ जाती हैं, मतलब अभी एक i20 उठा लेगा ब्लैक कलर की, नगर पालिका वाले इसे हैं सब यहाँ। तो फिलहाल गाइस निकल चुके हैं अच्छी तरीके से, सबसे मिल लिया और अच्छा लगा, पार्टी भी के लिए 2000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए ना, उसकी पार्टी भी कर ली हम लोगों ने, वो किसी को पता भी नहीं कहा पार्टी चल रही थी। हाँ वाह, हजरतगंज से उठा ले गए थे हमारी, हाँ हमारी अल्टो उठ गई थी। तो अभी ये टाइम हुआ है 4:29, और मेरे ख्याल से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे हरदोई,
अगर ठीक ठाक रास्ता मिली, जाम वगैरह नहीं लगा जैसे कि अभी नहीं लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे बहुत जाम लगता है नहर चौराहे पे, बट इस समय नहीं लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है भाई। चलो अभी मेट्रो निकली थी ना ऊपर से, उसमें लखनऊ LSG के जो प्लेयर थे सब छपे हुए थे उस पर, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाती है ना। चलो भाई अब चलते हैं कंटिन्यू हरदोई यात्रा पे वापस, पार्टी करके काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस आ गए हैं संडीला वाली क्रॉसिंग पर, यहाँ पानी ढूंढ रहे हैं पानी पीने के लिए। फिलहाल तो ये फाटक बंद हो गया, जाम तो इतनी लगती कि पूछो मत। ओ हो कितना शोर मचाते हैं लोग, आगे मिलेगा पानी आगे से ले लेते हैं। एक तो अनाउंसमेंट हो रही है, रेलवे के अनाउंसमेंट, हमें लगा कोई प्रचार कर रहा है। तो भैया ट्रेन तो गई निकल और हम भी अब आगे आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है ये 7:18 और हम घर आ चुके हैं। वैसे तो बहुत से रास्ते हैं भाई हरदोई से लखनऊ जाने के, मतलब अब उधर रोड ख़राब है तो इधर चले गए थे आज, उधर से वापस आए सीता रोड से होते हुए, तो काफ़ी अच्छा रास्ता है। एंड संडेला में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद तो सब ठीक है मतलब जो भी है। तो भाई ये था आज का व्लॉग, और आशा करते हैं आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपना प्यार दिखा देना थोड़ा सा। और फिलहाल मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस ये कहना चाहूँगा थोड़ी वीडियो भी देख लिया करो, सिर्फ सब्सक्राइब भी ना किया करो, वीडियो भी देख लिया करो मैं कह रहे हैं। तो बस ये था, एंड मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये भाई चौराहा देखना कैसा क्या है, अश्लील चौराहा लग रहा है हमको तो, कैसे नंगे पुंगे लोग बने हुए हैं इस पर देखना, क्या है रे ये सब हैं लोग बंधु अस्पताल, उधर एरो बना हुआ है।